पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना ही चाहिए, ये तो सबसे पहली मांग हमारी पार्टी की और हमारे नेता की थी। ये अच्छी बात है कि इसको उठाया जा रहा है और इसको अंजाम तक पहुंचाने की आवश्यकता है, सिर्फ नारों में नहीं। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कल दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दी जाए, इसकी मांग प्रमुखता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उठाई। तो वहीं अब नीतीश कुमार के इस मांग के बाद से सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है, राजनीतिक गलियारों से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो वहीं इस कड़ी में आरजेडी के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री आलोक मेहता का प्रतिक्रिया सामने आया है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है या मांग हमारे पार्टी की है, हमारे नेता ने बहुत पहले ही इसकी मांग की थी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए, सिर्फ नारे तक ही सीमित न रहे, आवश्यकता है विशेष राज्य देने की। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर भी राज्य सरकार और जीतन राम मांझी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे आलोक मेहता। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे आलोक मेहता, पहले आप यह पूरा बयान सुने। यह जेडीयू का आंतरिक मामला है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना ही चाहिए, ये तो सबसे पहली मांग हमारी पार्टी की और हमारे नेता की थी। ये अच्छी बात है कि इसको उठाया जा रहा है और इसको अंजाम तक पहुंचाने की आवश्यकता है, सिर्फ नारों में नहीं, सिर्फ प्रस्तावों में नहीं, सिर्फ कागज पर नहीं है, जमीन पर उतारने की आवश्यकता है। ट्वीट कर रहे हैं बार बार बिहार में जो खून खराबा हो रहा है और जो पुल गिरने के मामला देखने को मिल रहा है, इसमें देखना क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए और गुणवत्ता से कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए था। यह कंडेमेबल है कि लगातार 10 दिनों 11 दिनों के अंदर 5-5 पुल गिर गए, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किया गया या फिर जो भी जिसने भी किया उस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि ये साजिश के तहत गिराया जा रहा है, विपक्ष की साजिश है, पता नहीं, वो भी जांच का विषय है। वो जो कह रहे हैं वो कहां से कह रहे हैं उनको बताना चाहिए और यदि ऐसा है तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की हल्की बातें केंद्रीय मंत्री को नहीं बोलना चाहिए। वही तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की हल्की बातें, ये हल्की बातें हैं ना, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बोल रहे हैं, अब कितना खोखलापन है इस बात में, इसी का अंदाजा लगा। नहीं, मैंने आप प्लानिंग कौन करता है, डिज़ाइन कौन करता है, उसमें गुणवत्ता पर कितना कंप्रोमाइज किया जाता है, बहुत मतलब एस्टिमेट से बहुत अधिक जो एक अनुमान होना चाहिए उससे ज़्यादा एस्टिमेट बनाया जाता है, फिर भी पुल गिर रहा है। जांच का विषय तो है ही, कैसे जांच करना है और कहां पर करना है इसको एक निष्पक्ष एजेंसी से करने की आवश्यकता है। अपनी सरकार में कई टेंडर निकाले गए थे, उसको आप बीजेपी के जो मंत्री हैं वो तमाम टेंडरों को रद्द कर रहे हैं। किस सरकार में? 17 महीने के कार्यकाल में जो फैसला लिया गया था, तमाम टेंडरों को अब रद्द किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे और भी टेंडर रद्द किए जा रहे हैं। नहीं, तो उसके पहले की का जो टेंडर है उसी वही सब पुल गिरा है ना, तो पहले तो उस सब सारे चीज़ों पर मैं फिर कह रहा हूँ कि इस पर शीशा लेदर जो मैंने जो जांच होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, और कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनकी समझ है, अपना करें जो करना है। यह एक प्रशासनिक और जनहित का मामला है, यह सिर्फ किसी सरकार और किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं, जनहित के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, यदि हम दोषी हैं तो हमें भी सजा मिलनी चाहिए। लालू यादव ने ट्वीट किया है सर इमरजेंसी को लेकर के, इंदिरा गांधी ने हम लोगों को अब्यूज नहीं किया था लेकिन मोदी सरकार ने अपोजिशन को 24 में चुप करा दिया था। मोदी सरकार का जो अघोषित इमरजेंसी था वह इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी से ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा गैर प्रजातांत्रिक।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए इसकी मांग करते हुए नजर आए पूर्व मंत्री आलोक मेहता। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि ये जो मांग है यह पार्टी ने हमारी बहुत पहले ही मांग की थी और अब टाइम आ गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इसी के साथ साथ जीतन राम मांझी पर भी जबरदस्त निशाना साधते हुए नजर आए जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि जीतन राम मांझी लगातार यह कह रहे हैं कि ये जो पुल हादसा हो रहा है इसमें विपक्ष की कोई साजिश है, इस पर जबरदस्त प्रहार करते हुए नजर आए मंत्री आलोक मेहता और कहते हुए नजर आए कि कैबिनेट में मंत्री हैं, इतने बड़े मंत्री होने के बाद इतनी हल्की बातें कहते हैं तो इस पर जांच जरूर होनी चाहिए, जो कोई भी दोषी है इस पूरे मामले में इस पर जांच होनी चाहिए। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए पूर्व मंत्री आलोक मेहता, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।